पूरी दुनिया में आतंक का पर्याय बना कोरोना वायरस से लड़ने की उत्तराखंड सरकार की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना अपनी टीम के साथ दून हॉस्पिटल पहुंचे, आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया और आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संक्रमित IFS ट्रेनी भर्ती मरीज का डॉक्टर से हाल जाना। हॉस्पिटल के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना ने दून हॉस्पिटल में कोरोना से लड़ने की सरकार की तैयारियां संतोषजनक नहीं है। दसमाना ने कहा कि राज्य के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में जिस स्तर की तैयारियां होनी चाहिए वो तैयारियां नहीं है। देखिए, कोरोना का जो आतंक पूरे देश और दुनिया में इस समय फैला हुआ, हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। देहरादून में हम लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे उत्तराखंड में कोई ऐसा केस ना हो, लेकिन एक संक्रमण का केस सामने आया है FRI का, जो यहाँ आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है और उसको पॉजिटिव पाया गया है। IFS हैं, सीनियर अधिकारी हैं, ट्रेनिंग है, और इसके अलावा दून बिजनेस स्कूल के बच्चों का एक ग्रुप दुबई गया था और एक ग्रुप गोवा गया था, उनमें से दो बच्चों का यहाँ पर भर्ती किया गया है पूरे आइसोलेशन वार्ड में और उनका टेस्ट गया है, क्योंकि उनको कफ और खांसी है, फीवर, तो उनका भी टेस्ट हो रहा है। एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते और राज्य का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, आपको मालूम है डेंगू जब हुआ था तो यहाँ मैं लगातार करीब 1.5-2 महीने मैंने यहाँ पर मॉनिटर किया था स्वयं, लेकिन अब ये बीमारी डेंगू से कई ज़्यादा आगे पूरे देश और दुनिया में इसका आतंक है और लोग घबराए हुए हैं। देहरादून में प्रशासन की क्या तैयारियाँ हैं, सरकार की क्या तैयारियाँ हैं, उसका मैं निरीक्षण करने आया था। अभी मैंने पता किया है, यहाँ पे बताया कि करीब 25 बेड, 10 एक जगह और 15 एक जगह, ये यहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ है, लेकिन वेंटिलेटर्स कम हैं, दो ही वेंटी वार्ड बेड बनाए गए हैं। मैं समझता हूँ उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इमरजेंसी में हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि इमरजेंसी आएगी तभी हम तैयारी करेंगे, इसलिए इमरजेंसी के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो संतोषजनक मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। केवल 2 वेंटी बेड हैं और पूरे राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल में मेडिकल कॉलेज भी जो है यहाँ पर ज़्यादा इंतज़ाम होना चाहिए। इसके लिए मैं मुख्य सचिव से अभी बात करूँगा, स्वास्थ्य सचिव से भी बात करूँगा, आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगा। राज्य में इसकी तैयारी युद्ध स्तर पर रहनी चाहिए, कोई भी आपातकालीन स्थिति आने के लिए अगर कोई ऐसी स्थिति ईश्वर न करे पहुँचती है या आती है तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। डेंगू के मामले में आपने देखा कि डेंगू के लिए हम तैयार नहीं थे, जिसके कारण बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई। हमारे राज्य में संक्रमण न फैले, हमारे राज्य में अगर कोई ऐसी स्थिति आए तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार रहें, इसीलिए मैं आज यहाँ पर स्वयं अपने साथियों के साथ पूरे अस्पताल का निरीक्षण करने आया था। अधिकारी यहाँ पर नहीं है, बताया गया कि यहाँ पर जो CMS हैं उनके चोट लगी हुई है और 50 CMS जो हैं वो DM की मीटिंग में गए हुए हैं, लेकिन मैंने अन्य यहाँ के स्टाफ से मिल करके उनके साथ जा करके पूरी स्थितियों का जायज़ा लिया है। एक ही स्थिति मुझे थोड़ी सी चिंताजनक लग रही है कि यहाँ पर जो ICU और वेंटिलेशन का इंतज़ाम है वो बहुत कम है, जितना बड़ा ये राज्य है, जितने यहाँ पर जनसंख्या है और जो स्पीड इस वायरस की फैलने की है, तो उसके मद्देनज़र मैं समझता हूँ वो इंतज़ाम पूरा है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।